हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं खास ब्यूटी टिप्स। क्या आप अपने स्किन की केयर के लिए कोई डेली रूटीन फॉलो करती हैं? मतलब क्या आप सीटीएम रूटीन फॉलो करती हैं, क्लींजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजर रूटीन? ये अपने स्किन की केयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा स्किन ग्लो करती है। देखिए, अगर आप इस तरह के महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, हम हमारे जो घर में अवेलेबल है उन प्रोडक्ट की हेल्प से भी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लीनिंग का, तो ये आप फेस वॉश से भी कर सकती हैं या फिर कोई भी आपके पास क्लींजर हो उसका यूज़ कर सकती हैं। और हमने यहाँ क्लींजिंग के लिए दूध का इस्तेमाल किया है। बाउल में हम थोड़ा सा ठंडा दूध लेंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल और ड्राई स्किन है तो ठंडा दूध आपके लिए सूटेबल रहेगा, और अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो ठंडा दूध ना लेकर आप कोसा कोसा दूध लेंगी। कॉटन पैड की हेल्प से, कॉटन पैड आपने दूध में डिप करना है और उसकी हेल्प से अपने सारे फेस पर और अपनी नेक पर लगाएंगी। इस तरह से हमने दूध लगा लेना है और इस दूध को 5 मिनट लगे रहने देना है ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन में हल्का सा खिंचाव है। हल्का सा खिंचाव महसूस होने के बाद, देखिए बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए, हल्का सा खिंचाव जब महसूस होने लग जाए तो आपको फेस वॉश कर लेना है। इससे हमारे स्किन की क्लींजिंग हो जाएगी। ये हमारे स्किन को क्लीन करने का एक नेचुरल स्टेप है और दूध हर घर में अवेलेबल होता है। मैंने अपने फेस के दोनों साइड लगा लिया है और गर्दन पर भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। देखिए इस तरह से दूध लगा लें आप भी। देखिए अब ये सूख चुका है, दूध मेरे फेस पे सूख चुका है। सूखने के बाद अब हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। फेस वॉश करने के बाद अब फेस टॉवल से ड्राई कर लेना है फेस। फेस ड्राई करने के बाद अब हम टोनर का यूज़ करेंगे। मैं गुलाब जल का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी जो आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल भी आप यूज़ कर सकते हैं टोनर के लिए। हमें टोनिंग से मतलब है, चाहे गुलाब जल का यूज़ करें या फिर आयुर का टोनर आता है, लैक्मे का टोनर आता है, कोई वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, लार्ज पोर्स हैं आपकी स्किन पर, ऑयली स्किन है, तो आप टोनर का यूज़ ना करके एस्ट्रोजेंज का यूज़ करेंगे। ये जो टोनिंग की प्रोसेस है ये आप एस्ट्रोजेंज की हेल्प से करेंगी। टोनर का यूज़ हम करते हैं ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए। कॉटन में वही प्रोसेस रहेगा, कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जब डिप करके और हम फेस पर इसको लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप है मॉइस्चराइजिंग का। सीटीएम का जो हमारा फाइनल स्टेप है वो मॉइस्चराइजिंग का है। कोई भी क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप अपने लिए यूज़ करती हैं आप उसका इस्तेमाल इस प्रोसेस में भी कर सकती हैं। देखिए हल्के हाथों से फेस पर आपको इसको अप्लाई करना है। धीरे धीरे से बिल्कुल हल्के हाथों से फेस पर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद सर्कुलर मोशन में फेस पर, सारे फेस पर इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखिए हाथ बिल्कुल हल्का रखना है। अगर टाइट हाथ रखेंगी तो आपके फेस पर रैशेस हो सकते हैं या फिर स्किन रेड हो सकती है, इसलिए हल्के हाथों से लगा लेना है। पूरा ये रूटीन फॉलो करने के बाद ही आपको फर्स्ट टाइम से आपकी स्किन में एक अच्छा ग्लो नजर आएगा और आपकी स्किन इससे हेल्दी रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।